दस्तूर ने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख और ईसाई तीनों भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साफ कहती है कि मुसलमान और मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख तीनों भी आज रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। आज कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन ये कहता है, ये बोलता है कि एक कास्ट सेंसस करेंगे और सभी को इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज को हम मिला देंगे बीसीस में। क्या होगा इससे? दोनों का नुकसान होगा। एक तरफ नुकसान होगा बीसीस का, दूसरे तरफ नुकसान हो जाएगा माइनॉरिटीज का, क्योंकि अगर बीसीस में आपको शामिल कर देंगे तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि कोई अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं रहता, अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट नहीं रहता, माइनॉरिटी कमीशन नहीं रहता, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज कॉरपोरेशन भी सारे के सारे जब्त हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये आज कांग्रेस पार्टी का मतलब सोच है। कांग्रेस पार्टी का जो सोच है आज बीजेपी का आइडियोलॉजी से मिलता है। बीजेपी बार बार आज कह रही है पासमानदा मुसलमान, और लगता है कि कांग्रेस ने भी वही पन्ना, वही पेज आज निकाल के एक कोशिश कर रही है कि ताकि बैकवर्ड क्लासेस का और मुसलमानों का खास और माइनॉरिटीज का झगड़ा हो जाए। एक और मसला यह है इसमें कि एक ही बार 2006-07 में एक बीसीई कैटेगरी क्रिएट किया गया खास, क्योंकि रिजर्वेशन देना था। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान बीसीई में आता, बैकवर्ड क्लासेस में आता। ये नासमझी जो है कांग्रेस पार्टी की, ये जो मुझे नासमझी भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि कोई साजिश है दोनों के बीच में एक झगड़ा करने का। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि आज का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो यहां पे है वो खुद बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला आदमी है, आरएसएस आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाला आदमी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो डिक्लेरेशन बनाए, लगता है कि ये कांग्रेस ऑफिस में नहीं, बीजेपी के दफ्तर में बन के निकली बाहर। एक और एक बात यह है कि आज अगर एक मिनट के लिए समझिए कि कास्ट सेंसस करें आप और मिला दिए आप मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और सिख को बीसीस में, क्या होता? कल सारे के सारे बीसी टूट पड़ेंगे और कहने लगेंगे बैकवर्ड क्लासेस लीडर्स और बैकवर्ड क्लासेस की आवाम कि आप हमारा हक छीन रहे हो, आप हमारे लिए जो गारंटीड था रिजर्वेशन आप उसमें से जबरदस्ती ले रहे हो, करके एक रिफ्ट आ जाएगा माइनॉरिटीज और बीसीस के बीच में। लगता है कि कांग्रेस पार्टी दोनों के तरफ सिंसियर नहीं है, ना बीसीस के तरफ सिंसियर है ना माइनॉरिटीज के तरफ सिंसियर है।